चुपती जलती गर्मी, इस चुपती जलती गर्मी से जनता परेशान है। लोग सड़कों पर निकल नहीं रहे, अपने घरों से लोग निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल मई के महीने में जून जुलाई जैसी गर्मी पड़ रही है। प्रशासन का कहना है कि इस गर्मी से अभी निजात पाना मुश्किल है। सूरज आग उगल रहा है, एसी कूलर पंखे इस समय ऐसा लगता है कि काम नहीं कर पा रहे, फिर भी लोगों को घरों से निकलना है, अपना काम धंधा चलाना ही है। ऐसे में आज हम लखनऊ के एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बढ़ती हुई गर्मी से वो निजात पाने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इस वक्त हम एक बेल के शरबत की दुकान में मौजूद हैं। यहाँ हम भैया से बात करके पूछना चाहेंगे कि भैया आपकी ग्राहकी इस समय कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। जो है गर्मी में जैसे दिन के वक्त आपके पास ग्राहक कम आते होंगे? हाँ, दिन में ग्राहक कम आते हैं, सुबह और शाम को ज़्यादा आते हैं। भैया ने गर्मी से बचने के लिए अपनी दुकान पर छतरी का इस्तेमाल किया हुआ है, ग्राहक भी इस छतरी के नीचे खड़े होकर अपने आप को धूप से बचा सकते हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी में आप मतलब अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बस ये छाता के नीचे रहते हैं जो है। और घर में रात के वक्त? शाम को पंखा चलाते हैं। अच्छा, आप शरबत कैसे बनाते हैं ज़रा दिखाए। उसको निकाल करके जो है इसमें जो है बेल का गूदा निकाल करके बर्फ़ और चीनी डाल करके और इसको इसी ड्रम में निकालते छन्नी में जो है। तो इसके फ़ायदे आप बता सकते हैं हमारी जनता को? हम जानना चाहेंगे कि बेल के शरबत से गर्मी में क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे इसके बहुत हैं, ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है जो है, और इससे ये लू को बचाता है जो है, और पेट को भी ठंडा रखता है, और इससे मतलब जो है पेट सही रहता है। जैसे आपने सुना कि बेल का शरबत पीने के कई फायदे, ऐसे ही नींबू शिकंजी भी लोग पीते थे, लेकिन इस साल नींबू के दाम बढ़ने के बाद शिकंजी से लोग परहेज करते नजर आ रहे हैं, घरों में नींबू खरीदा नहीं जा रहा है, जबकि नींबू गर्मी में जनता का एक साथी होता था। ऐसे में हम कुछ और लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का कहना है कि अब इस बार की जो गर्मी है उससे अभी निजात पाने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो आपका क्या कहना है? हाँ, इस साल का जो गर्मी है पिछले साल के बनिस्पत ज़्यादा है, और क्लाइमेट ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है, और इस दौरान अभी नींबू के भी रेट जो बढ़ गए हैं उसके कारण भी लोगों को अपने दूसरे विकल्प खोजने पड़ रहे हैं। जो सस्ता विकल्प है उस पर उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, और अपनी गर्मी को मिटाने के लिए जो सस्ता उपाय लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल आया था तब हम सब अपने अपने घरों में बंद थे, तो उस वक्त जो गर्मी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दो साल की जो कसर थी वो इस बार गर्मी एक साथ ही पूरी कर रही है। हाँ, इस साल का जो गर्मी है ओब्वियसली बहुत जल्दी, अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी गर्मी अप्रैल के बाद मई जून में जो गर्मी महसूस होती थी वो अप्रैल में महसूस हो रही है, और इतनी चिलचिलाती गर्मी पहले कभी मैंने पिछले 2-4-5 साल में कभी नहीं थी, इतनी गर्मी इस साल महसूस हो रही है। इवन स्कूल के टाइमिंग भी चेंज किए गए हैं, और लोगों को भी मतलब इस समय जो लोग दिन दिहाड़ी काम करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही है। जो डेली मजदूर हैं, जो ठेलियाँ लगाते हैं, रिक्शा लगा पे काम करते हैं, उनके लिए इस साल बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। बहुत ही क्लाइमेट इस साल का पिछले साल की बनिस्पत बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। तो क्या करें, मजबूरी है, काम करना तो ज़रूरी है। ऐसी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों को अपना काम धंधा तो चलाना ही है, चाहे वो बेल का शरबत बेच रहे हो, लोग शिकंजी बेच रहे हो, या चाय वाले ही क्यों ना हो। ऐसे में हम एक चाय की दुकान पर जाकर बात करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी गर्मी में चाय कितनी पी जा रही है इस वक्त, क्योंकि गर्मी में गर्म चाय पीने वालों की हो सकता है कि हमें कमी देखने को मिले। भैया, तो आप चाय बेच रहे हैं, तो ऐसे में गर्मी बढ़ती जा रही है तो चाय पीने लोग आ रहे हैं उतनी मात्रा में? हाँ जी मैम, आ रहे हैं, बट अभी क्या है कि हमने भी जल्दी ही दुकान ओपन की है, तकरीबन 15 तारीख के आसपास ही ओपन की है, तो अभी रिस्पांस थोड़ा सा कम है, बट हाँ गर्मी की वजह से, और आगे अच्छा खासा निकलेगा। ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है कि चाय तो हमें सलाई में भी चढ़ा दो तो चढ़ती रहे बस, क्योंकि चाय के लवर्स हमारे देश में कम नहीं हैं। ऐसे में शाम के वक्त तो आप कुल्हड़ वाली चाय बेच रहे हो, तो शाम के वक्त आपकी ग्राहकी अच्छी खासी चल जाएगी? हाँ जी मैम, नहीं एक्चुअली सीन मैम यहाँ क्या है कि हम काफ़ी थोड़ा सा सड़क से हट के पीछे हैं, और ये ऑफिस वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो चाय का जो मतलब चलता रहता है वो ऑफिस टाइम ही चलता है। हम संडे को यहाँ पर बंद भी करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑफिस वगैरह, यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पे पुलिस कार्यालय है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक एरिया है, तो यहाँ पे कस्टमर को आने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ तक कस्टमर पहुँच नहीं पाता है। बस जब तक ऑफिस चलता है तभी तक। हाँ जी, 6 बजे हम सुबह लगाते हैं और शाम को 7 बजे तक का लगाते हैं।
ऐसे में गर्मी में सड़कें समय खाली हैं, लोग अपने घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं, पर आपको तो अपना काम तो चलाना ही पड़ेगा, जैसे अब हमें काम करने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शेड लगा रखा है, फिर भी गर्मी तो महसूस होती ही है, धूप से बचा जा सकता है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? मैम, गर्मी से बचने के लिए देखिए उपाय का क्या सीन है कि उपाय तो अब कर ही नहीं सकते हैं उपाय बचने का, लेकिन वही है कि जैसे अभी देखिए पेड़ वगैरह हैं, इसलिए चाय वगैरह की जो दुकानें होती हैं आप अक्सर देखेंगी कि वो ऐसे मतलब छप्पर छाया रहता है या फिर से पेड़ वगैरह के नीचे होते हैं। वहाँ पे क्या है, देखिए चाय एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान खड़े होकर आराम से मतलब आराम से बैठ के पीना चाहता है, सुकून से। आदमी अगर कुछ भी अगर मान लीजिए एक कुछ भी लेता है तो उसके लिए टाइम नहीं निकालता है, बट अगर चाय पीने आता है तो चाय पीने के लिए इंसान टाइम निकाल के आता है। उसको चाहिए कि तुरंत चाय बने मेरे आँख के सामने बने और फिर हम फुर्सत से पिए। चलिए ठीक है। ऐसे में अब हमारे पास एक शिकंजी की दुकान भी मौजूद है, उसमें लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। बेल के शरबत की दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक शरबत पी रहे हैं, लेकिन शिकंजी की दुकान पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण एक यही है कि नींबू के दाम बढ़ चुके हैं, और नींबू जो कि आम आदमी का सबसे बड़ा गर्मी में सहारा होता था, उसे एक दोस्त माना जाता था, क्योंकि शिकंजी से हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती थी। ऐसे में इस वक्त तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई मौजूद नहीं है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम शिकंजी हम बात करना चाहते हैं भैया से कि भैया आपकी ग्राहकी कैसी चल रही है? जैसे दुकानदारी ने गर्म के मेरे आदमी नहीं लिखा रहा बाहर, सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पे। हाँ, सन्नाटा हो रहा है। अच्छा, शाम के वक्त आपका दुकान तो अभी ज्यादा दुकानदारी नहीं होती है। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि दाम नींबू के बढ़ा दिए गए हैं। आप कितने में बेच रहे हैं शिकंजी? शिकंजी 10 रुपए की है, 20 रुपए की है। तो आपने दाम नहीं बढ़ाए हैं शिकंजी के? भैया ने नींबू का दाम महंगा होने के बावजूद भी अपनी शिकंजी का दाम नहीं बढ़ाया, फिर भी यहाँ पर ग्राहकी कम है क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि सड़कें भी खाली हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, भैया शिकंजी बना रहे हैं, आपके भी मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। ऐसे अब हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आप ई रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे में गर्मी चाहे जितनी हो आपको अपना काम तो करना ही पड़ रहा है, तो आप अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए किस तरह के उपाय कर रहे हैं? गर्मी से बचाने के उपाय क्या, रास्ते में पानी नहीं पीते रहना, ठंडा ठंडा पीते रहना, इस तरीके से चले। अब मैं जैसे इस टाइम विकास नगर जा खुर्रम नगर जा रहा हूँ मस्जिद की इफ्तारी लेके, मैं शहादतगंज से आ रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ, किसी से देखिए पीछे लगी हुई है। अब शिकंजी पी के अपना शरीर ठंडा करने का प्रयास? जी हाँ जी हाँ। ऐसे हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में आपका निकलना तो बंद नहीं हो सकता, आपको अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है, तो गर्मी से बचने के लिए आप किस तरह के उपाय कर रहे हैं? अरे गर्मी से बचने के लिए तो हम सब उपाय कर रहे हैं, मगर एक बात और है, हम रिक्शा चलाते हैं मगर हमको लोगों ने रुकने नहीं दिया जा रहा है। रुकने नहीं दिया जा रहा है? कहीं भाई चौराहे से सवारी मिलती है, कोई नहीं उठाने दे रहा, पुलिस वाले तो रुकने भगाते हैं सबको। तो आप जो ई रिक्शा स्टैंड वगैरह है उसमें भी आप रुक नहीं पा रहे हैं? आपको पा रहे हैं का काम नहीं चल पा रहा? नहीं चल पा रहा है। आप हमारे कैमरा को बता सकते हैं आपकी जो परेशानी है ताकि उस पर निजात किया जा सके? अब परेशानी हमका जहाँ है, हम लोग खाली स्कूल अतने खंड चल रहे हैं, स्कूल सुबह स्कूल चलते हैं, इतने खंड हम रिक्शा चलाते हैं मतलब पेट वेट चलाने के लिए, और का जहाँ जाओ चौराहा इधर भगाया जाता उधर भगाया जाता है। लोग इस समय अपने घरों से निकलने में भी तो कतरा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। गर्मी तो बहुत है। अब कल एक बच्चे बीमार हो गया था, जैसा कि आपने सुना बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, लेकिन फिर भी जो स्कूल खोले गए हैं कोरोना काल के बाद, उसके बाद भी बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। ऐसे में बेल का शरबत हो गया, शिकंजी हो गया, ठंडा पानी हो गया, ये सब विकल्प आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। आपने देखा कैसे लोगों का कहना है कि उनको तो घर से निकलना पड़ ही रहा है क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, उन्हें अपना पेट पालना है, अपना घर चलाना है। शिकंजी में नींबू के दाम महंगे कर दिए गए, फिर भी शिकंजी वाले भैया ने अपने दाम नहीं बढ़ाए, फिर भी उनकी ग्राहकी कम है। बेल के शरबत की दुकान पर भी ग्राहकी कम है, चाय की दुकान पर भी ग्राहकी कम है, सबका एक ही कारण है, बढ़ती हुई गर्मी। सूरज हमारे सर पर है फिर भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मजबूरन।
सन्नाटे पसरे हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो सभी शाम में निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए आप सभी के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और धूप में निकलते वक्त अपना सर ढकें, गर्मी से बचने के पूरे प्रयास करें क्योंकि अभी फ़िलहाल इस गर्मी से निजात पाना मुश्किल है। सयाली पांडे के साथ आप देख रहे हैं आज की खबर।